इसमें होमवर्क प्रोजेक्ट असाइनमेंट वाला ये टाइम नहीं है अगर आपका बुक ये चीज कवर कर पा रहा है वेल well इनफ नहीं कर पा रहा है टेक अ बुक इस तरीके कोई बुक कोई जरूरी नहीं है कोई यही किताब लेनी अगर मैं बात करूं कि भाई ये तो कर लिया हमने रिवाइज कैसे कैसे करना है लर्न करना है समझ में आ गया हाउ टू ट्रैक माई स्टडी कैसे मैं अपने आप अप, अपनी पढ़ाई को ट्रैक कर पाऊं मान लो कि एक पेज पे मैथ्स और साइंस का बन गया अगले पेज पे एस और इंग्लिश का बन गया तो उसको देख के आपको अंदाजा मिल जाता कि भाई मुझे अब नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट टच करना है क्या क्या सपने देखे थे इस बार की यार ऐसे पढ़ूंगा ऐसे पढ़ूंगा 95 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे इस बार एस में टॉप लाऊंगा मैथ्स में टॉप लाऊंगा और अभी जो हालत है वो ये है कि हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम अनाउंस हो गया है और ऐसा है कि भाई हमारा चैप्टर एक एक दो दो पढ़ गए हुआ है वो भी ढंग से रिवाइज नहीं किया है ठीक है तो अब क्या होगा ऐसे में अगर जो भी बच्चा यहाँ पर देख रहा है उसकी प्रिपरेशन एवरेज से नीचे चल रही है उन सभी के लिए वीडियो होने वाला है और अगर इस वीडियो को अपन आपने ध्यान से समझ लिया इसमें जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ ध्यान से समझ लिया ठीक है तो ये हो सकता है कि आप जो है अपने उस परेशानी से बाहर आ जाओ और हाफ ईयरली अब मैं आप 90 प्लस या 95 प्लस ले आओ ठीक है सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें बताऊँगा और बहुत ही ऐसी बात जो पंद्रह साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कह रहा हूँ ठीक है तो आइए ये जो एल आर पी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले मैं उसका उसका मतलब बता दूँ शायद कुछ लोगों को हिंट मिल गया होगा ये वो टेक्निक है जो आज तक हमेशा सक्सेसफुल रही है। जिसने भी इस टेक्निक को यूज़ किया है वो कभी फेल नहीं हुआ है और जिसने भी अपने सिस्टम में पढ़ाई के सिस्टम में इसको ढंग से अप्लाई किया है वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाया है अच्छे मार्क्स मतलब टॉप मार्क्स लाया है सर ये कौन सी नायाब टेक्निक है ये कोई नायाब टेक्निक नहीं है ये यहाँ पर बस आपको ये तीन बातें समझनी होती हैं ठीक है थीके? आपकी पढ़ाई में हर साल एवरी ईयर जो बच्चा टॉप कर रहा होता है ना वो इन्हीं चीजों को फॉलो कर रहा होता है लर्न रिवाइज और प्रैक्टिस ठीक है लर्न सर क्या पढ़ना है मुझे अरे भैया सिंपल है जो चीज नहीं पढ़ी है लर्न ऑल दी न्यू चैप्टर्स जितने भी चैप्टर्स अभी तक टच नहीं किए हैं जो आपके अनटच्ड चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना है रिवाइज जो आपने चैप्टर पढ़ लिए हैं ऑल दी लर्न चैप्टर्स जो आपने यहां पर पढ़ लिए उसको अगर ढंग से रिवाइज नहीं किया तो काम नहीं चलेगा सर रिवाइज कैसे करूं रिवाइज करने का भी मुझे सही मैकेनिज्म नहीं पता इतने कम समय में ढंग से रिवाइज कैसे होगा देखने वाले अपन ठीक है और तीसरी चीज है प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्या होता है सर ये तो पता ही नहीं मुझे मैं तो रिविजन तक तो ही करता था प्रैक्टिस वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मतलब आप ये समझ लो कि आपकी क्लास में अगर सौ बच्चे हैं लेटेस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल सौ बच्चे हैं अब सौ में से जो टॉप मतलब फाइव रैंक्स जो होते हैं ना वो वही बच्चे होते हैं मतलब जनरली ना मतलब मुझे खुद याद है कि ऐसा कई बार होता था कि मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ने के बाद भी जो है ना वो टॉप फाइव रैंक में वो नहीं आ रहा होता था तो क्यों होता था पता है क्या हो सकता है कि मैं उनसे ज़्यादा पढ़ रहा होता था उनसे ज़्यादा रिवाइज भी करता था एक चीज जो नहीं हो पाती थी वो था प्रैक्टिस वो बाद में समझ में आया ठीक है सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैसे प्रैक्टिस करना है ठीक है वो चीज जो है अगर आप समझ गए तो आप वो ठीक है वो टॉपर वाले रैंक में जो है आप आप अपने आप को स्थापित कर सकते हो ठीक है तो प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको ऑब्वियसली आपको जो भी न्यू या फिर जो भी इंपॉर्टेंट या फिर जो भी एक्स्ट्रा ठीक है क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है थीके? ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करना होता है बेस्ट सोर्सेस से ठीक है सही सोर्सेज से नॉट बेस्ट सोर्सेज जिससे जो रेलिवेंट सोर्सेज है उनसे आपको पढ़ना होता है ठीक है उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे चाहे आप टेंथ के बच्चे हो या नाइन्थ के बच्चे हो नाइन्थ वाले बच्चे भी इसको देख के और इस अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है थीके? तो बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे हम चैप्टर्स को डिवाइड करें ठीक है कैसे पूरा जैसे मान लो कि मुझे छः चैप्टर पढ़ना है तो कैसे मैं उसको डिवाइड करूँ कैसे याद रखूँ कैसे मैं अपने आप को पूरा बर्ड बर्ड आई व्यू दे पाऊँ कि भाई कौन सा चैप्टर कब मतलब पढ़ लिया है कौन सा रिवाइज करना बाकी है ठीक है रिविजन कैसे करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ठीक है तो आइए चलते हैं और थोड़ा सा पहले तो ये बात समझ लेते कि आपका एक बेसिक रूटीन अब जो अब जो आपका टाइम टेबल बनना चाहिए ठीक है वो किस तरीके से होना चाहिए वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए बहुत ओवरलोडेड पढ़ाई नहीं करनी है आपको ठीक है क्वालिटी पढ़ाई करनी है और ये हमेशा लागू होगा ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ यार बैकलॉग छूट गया है तो पचास घंटे पढ़ लो चौबीस घंटे में से ठीक है ऐसा तो होने वाला नहीं है तो यहां पर जब मैं कह रहा हूं ये पूरा आपका मंडे टू सैटरडे का जो आपका टाइम टेबल है एवरी डे हर दिन आपका इसी तरीके से दिख रहा होगा एल वन एल टू आर मंडे से सैटरडे होगा आपका एल वन एल टू आर तो बेसिकली आपका ये सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ ये दो स्लॉट्स होंगे लर्न वन यानी कि पहला जो आप जो आप चैप्टर नया चैप्टर पढ़ने वाले हो ठीक है उसके लिए ये एक फोर्टी मिनट का स्लॉट होना चाहिए ठीक है उसके अलावा ये एक अनदर फोटी मिनट का स्लॉट होना चाहिए और ये जो है रिविजन है दिस इज लर्न ठीक है दो स्लॉट पढ़ाई के हो गए एक स्लॉट जो है वो रिवीजन का हो गया अब रिवीजन में आप जो है इसको थर्टी मिनट्स भी रखते हो ठीक है तब भी चल जाएगा आइडियली जिनको लगता है कि मेरा आप तीस मिनट में रिवाइज नहीं होता है वो पैंतालीस मिनट करेंगे ठीक है इसमें होमवर्क प्रोजेक्ट असाइनमेंट वाला ये टाइम नहीं है दिस इज़ प्योरली वो टाइम देखो बहुत ज़्यादा नहीं रखा है मैंने ये हो गया आपका डेढ़ घंटा हो गया ठीक है और ये हो गया आपका तीस मिनट मतलब दो घंटे ये आपको हर दिन अगर आप दो घंटा प्रोपरली दे रहे हो आपका काम यहाँ पर हो रहा होगा सर चैप्टर सब्जेक्ट्स यहाँ पर मैं कैसे डिवाइड करूँ तो जिनको अगर ये लगता है कि यार सब्जेक्ट डिविजन कैसे होना चाहिए नहीं समझ आ रहा है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा कि आप इसको ऐसे समझो कि एक होगा आपका एम एक होगा एस और एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है तो यहाँ पर लैंग्वेज में दोनों गए इंग्लिश हिंदी दोनों आ गए या इंग्लिश संस्कृत जिनकी भी जो जो लैंग्वेज होंगे ठीक है लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू एम एस यानी ये हो गया आपका मैथ साइंस ठीक है एस एस टी में आपके चार ऑलरेडी उसके अंदर सब्जेक्ट आ जाते हैं और ये लैंग्वेज हो गया ठीक है तो इसमें याद रखना कि आप जो इसको डिवाइड कर रहे हो गए तो इसमें ऐसे याद रखना कि आपका जो एस एस टी है ये आपका सो so लैंग्वेज जो है ये आप इसको मंडे ट्यूसडे एंड इवन इसको आप संडे को भी रख सकते हो ठीक है तो ये आपका मंडे और ट्यूज़डे अगर मैं इसकी यहाँ की बात करूँ तो आप मंडे और ट्यूज़डे को लैंग्वेज अपना रख रहे होगे जिसमें इंग्लिश या हिंदी जो जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसको ठीक है लेके चल रहे होगे अगर मान लो इस हफ्ते इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ठीक है मंडे ट्यूज़डे आपने इंग्लिश पढ़ लिया अगले हफ्ते हिंदी पढ़ लिया ठीक है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होता अगर मैं बात करूँ एस की तो एस बाकी बचा हुआ मंडे ट्यूज़डे उसके बाद जो बचा है वेडनजडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे सर तो यानी चार दिन मेरे को एस के लिए मिल गए सर दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा आपको कर लो काई कोई बात नहीं सो so, चार दिन ये हो गए दो दिन ये हो गए छः दिन यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया अब ये तो हो गया लर्न वन में तो लर्न वन में आपका कैसे कुछ दिखेगा ये दिस विल बी लैंग्वेज लैंग्वेज उसके बाद में चार दिन एस एस टी वाले हो गए दो दिन लैंग्वेज वाले हो गए चार दिन एस एस टी वाले हो गए स्लॉट वन में स्लॉट टू में आप क्या करोगे आप एम एस रखोगे तो मान लो हो सकता है कोई बच्चा इस हफ़्ते पूरे मैथ्स पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं अगले हफ़्ते पूरा साइंस पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं तीन दिन मैथ्स पढ़ लिया तीन दिन साइंस पढ़ लिया स्लॉट टू के अंदर कोई दिक्कत नहीं ठीक है और रिविज़न वाली चीज़ में तो ऑफकोर्स ये डिपेंड करेगा इसको भी आप चाहो तो इसको आप फोर्टी फाइव मिनट्स रख के तीस और पंद्रह मिनट ठीक है ऐसे भी रख सकते हो जो चैप्टर्स आपके इजीली रिवाइज हो जाते हैं वो आप 15 मिनट्स में कर सकते हो जो सब्जेक्ट्स और जिन सब्जेक्ट्स में टाइम लगता है वो 30 मिनट्स में कर सकते हो सर ठीक है रिवाइज़ कैसे डिवाइड करके करना है रिवीजन भी दो बार होना चाहिए कम से कम दो बार रिवीजन आपका होना ही चाहिए ठीक है उसका अंतराल क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा लेकिन ये तो सर ठीक है लर्न वन लर्न टू दो स्लॉट्स हो गए और मतलब एवरी डे मुझे एल वन एल टू और आर फॉलो करना है वीक डेज में और उसके बाद संडे की अगर मैं बात करता हूँ तो संडे जो है वो पी वन और पी टू मतलब क्या है प्रैक्टिस वन प्रैक्टिस टू अगेन ये होगा आपका फोर्टी फाइव मिनट्स और ये होगा आपका 45 फाइव मिनट्स यू कैन ऑल्सो कीप इट एज 30 मिनट कोई दिक्कत की बात नहीं होगी अगर आप इसको 30 मिनट और 30 मिनट का भी रखते हो तो काफ़ी सही होने वाला है अब मैं बता रहा हूँ कि सर लर्न में मुझे मतलब पढ़ना है, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं किससे पढ़ रहा हूँ पहली बार जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ऑफकोर्स इट विल बी एन ठीक है तो आपको फॉलो इसी तरीके से करना है कि आप जब फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो जब मैं बोल रहा हूँ लर्न तो लर्न में आपको पता होना चाहिए कि भाई आप ये एन से कर रहे हो ठीक है एंड अलॉन्ग विथ यहाँ पर आपको जो वन शॉट वीडियोज़ है अपने वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं ठीक है जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो सकता है आप उसको पहले वन शॉट वीडियो को थोड़ा वन पॉइंट फाइव एक्स स्पीड में देखिए एंड देन यू डू विथ एन सी में कोशिश करो कि जो एग्जैंपलर है जो वहाँ पर एग्जाम्पल्स है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप वहीं पर कवर कर लो ठीक है इसके बाद जब मैं बात कर रहा हूँ रिविजन की तो आपको रिविज़न में दो बार एटलीस्ट आपको रिवाइज़ करना है ये याद रखना कि एटलीस्ट आपको दो बार जो है रिवाइज़ करना है सर रिवाइज़ कैसे करूँ मैं तो रिवाइज़ करने का जो टेक्निक है वो आप याद रखना कि अगर आप ये डे वन को कर रहे हो अगर ये डे वन को किया जा रहा है तो दिस रिविज़न शुड बी डन ऑन डे सेवन और ये वाला रिविज़न जो है वो डे ट्वेंटी को आप कर लो ठीक है वो बीसवें दिन आप कर लो मतलब अगर आपने ये मंथ के एक तारीख को किया ये सात तारीख को हो जाएगा ये बीस तारीख को हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अगर आप रिवाइज कर रहे हो सर रिवीजन के लिए क्या मतलब आगे एन से रिवाइज कर लो बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं ठीक है तो रिविज़न में आप ऐसे किया करो यहाँ पर ना आप एडिशनल क्वेश्चन लगा रहे हो गए पर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी ठीक है और जो सेकेंड रिविज़न आप कर रहे होगे देर यू कैन यूज़ पी वाई क्यूज़ ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से मिल जाएंगे प्रॉपर सॉर्टेड चैप्टर वाइज कहां से मिल रहे होंगे मुझे ठीक है तो ये दोनों चीजें मैं अगर आपको बताऊं आप आजकल जो क्वेश्चन बैंक अगर सही क्वेश्चन बैंक बना हुआ है ठीक हो जो मैं नॉर्मली रिकमेंड कर रहा हूँ और मेजोरिटी बच्चे जो है उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं सो दिस ईयर हमने इसके अंदर अपना कॉन्टेंट दिया हुआ है ठीक है दिस इज़ अ शिवदास का क्वेश्चन बैंक और इसके अंदर आप अगर देखोगे ना मैं कोशिश करूँगा कि आपको साइड में यहाँ पर दिखा दूँ तो इसमें आपको हर चैप्टर में हर चैप्टर में इनिशियली रिवीजन गैलरी मिल जाती है शुरुआत में आप जो है ना प्रॉपरली यहाँ पर अगर देखोगे आप तो रिवीजन गैलरी दी है अब ये जो रिवीजन गैलरी है ये इस तरीके से दिया हुआ है कि आपका पूरा चैप्टर लगभग एक से डेढ़ पेज में हो जा रहा है ठीक है इसके बाद आ, आपको एन सी आर टी इंटेक्सट और एन सी आर टी एक्सरसाइज बहुत बच्चे होते हैं जिनको एन सी आर टी एक्सरसाइज में भी दिक्कत होती है तो वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और टॉपिक वाइज मतलब तीन से पा तीन से चार सब टॉपिक्स में इसको चाहे हर चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है और टॉपिक वाइज जो है ना यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो दिया हुआ है मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगेन यहां पर अगर आप देखो सर पी वाई क्यू कहाँ मिलेंगे पी वाई क्यू भी वहां पर इंक्लूड किया गया है हर चैप्टर की एंड में और तो ये जो है ये आपका वहां कवर हो जाता है प्रैक्टिस के लिए इनफ क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन सिर्फ आपका सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इट शुड इंक्लूड एम सी है ना एम्पल ऑफ एम सी क्यूज ठीक है इसके अलावा असर्शन रीज़न होने चाहिए प्रैक्टिस में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आजकल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर इंक्लूड करा हुआ है तो आप जिन्होंने देखो जिनके पास अगर कोई ऐसी रिसोर्स है जिसके अंदर ऑलरेडी इस तरीके से आपको दिया हुआ है ठीक है इसके अलावा जब मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ एक और चीज़ जब इसके बाद आ रही होगी प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस वाले पार्ट में बच्चों पता है क्या होता है यहां पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट की जरूरत होती है और ऐसे परफेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए जिससे कि मतलब ट्रिकी तरीके से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है तो दिस शुड हैपन अगर आपका बुक ये चीज कवर कर पा रहा है वेल इनफ नहीं कर पा रहा है टेक अ बुक इस तरीके की कोई बुक कोई जरूरी नहीं है कोई यही किताब लेनी है पर आपको लगता है कि इस तरीके कोई परफेक्ट बुक आपको मिल रही है एट अ गुड प्राइस तो यू शुड टेक इट और भाई इस चीज को प्रॉपरली फॉलो करो ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई ये तो कर लिया हमने रिवाइज कैसे करना है लर्न कैसे करना है समझ में आ गया हाउ टू ट्रैक माय स्टडी कैसे मैं अपने आप अपनी पढ़ाई को ट्रैक कर पाऊँ ये भी बहुत बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कि मैं आ, एक ऐसा पूरा ओवरऑल व्यू देख पाऊँ तो मान लो कि ये आपके हाफ ईयरली में ये टेंथ साइंस का अगर सब्जेक्ट आपका सिलेबस है हाफ ईयरली में आपके ये चैप्टर्स आने वाले हैं ठीक है केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स आएंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एसिड बेसिस सॉल्ट ठीक है बाइ बायो के है और फिजिक्स के दो चैप्टर्स हैं अगर ये आने वाला है तो क्या मेरा ये चैप्टर पढ़ के हुआ है तो मैं टिक कर दूंगा हाँ भाई मेरा ये पढ़ के हुआ है लर्न तो हो गया है ठीक है मैंने पहली बार रिवाइज भी कर लिया है ठीक है अगर मैं लाइफ प्रोसेस की बात करूँ तो मैंने उसको दूसरी बार भी रिवाइज कर लिया है और मैं अगर लाइट चैप्टर की बात करूँ तो मैंने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया है ठीक है तो इस तरीके से अगर आप जो भी चैप्टर्स आपका हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा भाई मेरे को एसिड बेसिस यहाँ पे मुझे जल्द से जल्द इन चैप्टर्स को टच करना है जिनको मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया हुआ एंड यू हैव दैट ऑर्डर तो ऐसे साइंस का बना हुआ है ऐसे ही मैथ्स एस एस का भी और लैंग्वेज के लिए भी आप बना सकते हो ये बेसिकली आपको वो आइडिया देता है कि हाँ भाई इसको देख के आपको ये मान लो कि एक पेज पे मैथ्स और साइंस का बन गया अगले पेज पे एस और इंग्लिश का बन गया तो उसको देख के आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि भाई मुझे अब नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट टच करना है नहीं तो जब भी आप पढ़ रहे हो तो दिमाग में ये आता है कि भाई अभी मैं एस एस टी का बुक लेके बैठा हूँ तो दिमाग में आता है मैथ्स करना है मैथ्स लेके बैठा हूँ तो साइंस की याद आती है कि वो भी पढ़ना है और ये अलग सी एनजाइटी होती है तो ये चीज़ जो है बचाने के लिए यू कैन यूज़ दिस मेथड ठीक है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है बिलीव मी और अगर ये चीज़ आप प्रॉपरली आप कर पा रहे हो तो देखो uh, नाइन्टी परसेंट कोई बड़ी बात नहीं है नाइन्टी फाइव परसेंट कोई बड़ी बात नहीं है सबसे बड़ी बात है आपकी सेटिस्फैक्शन और आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिल रही होगी और एक जो होता है ना कि गिल्टसा रह जाता है वो चीज़ नहीं होगा वेन यू आर डूइंग दिस ठीक है इसी के बाद करते हैं वीडियो को एंड कोई और दिक्कत हो कुछ और डाउट हो नीचे बताओ मुझे और उसके ऊपर करते हैं काम ठीक है जो भी इश्यूज है बताओ मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड यस ऑल दी बेस्ट